वो करो, लेकिन somehow he is right up there, you know, and must be thinking कि मेरे बेटे ने जो कहा, actually वो पूरा कर दिया। Absolutely. पर पूरा क्यों हुआ? पूरा क्यों हुआ? कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कहीं जो तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब तुम यू आर एट सच एज यू नो परसुएशन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जिस चीज़ के पीछे लग जाओ तो वो पाना जो होता है ना आसान हो जाता है पर सिर्फ कि परसुएशन में आपकी शिद्दत कितनी है जेन्युइन पैशन कितना वो इम्पोर्टेंट है जेन्युइनिटी बहुत ज़रूरी है कई बार लोग बहुत फेक होते हैं क्योंकि उसके अंदर ये फैक्टर भी आता है कि यू शुड स्टडी यूर सेल्फ ऑल्सो यू शुड यू नो मेजर यूर सेल्फ ऑल्सो दैट हाउ मच यू आर राइट फॉर दिस प्रोफेशन एंड दैट ओनली यू कैन टेल एंड यू कैन जज एंड यू कैन टेक आउट मार्क्स फॉर यूर सेल्फ इन दैट यू नो तो अगर आपको लगे कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो रहा आई एम नॉट राइट फॉर इट यू नो इट इज़ लाइक आपने सुना होगा ना कई एक्टर बोलते हैं यार आई कॉन्ट डू दिस रोल यार मैं इट इज़ नॉट सूटेबल टू मी और कई बार लोग बोलते हैं यार मैं ये काम नहीं कर सकता यार मैं आई डोंट थिंक आई विल बी फिट फॉर दिस कई बार ऐसे लोग जनरली बोल देते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता तो वो होना बहुत ज़रूरी है तो परसुएसिव पावर जो है ना वो बहुत ज़रूरी था परसुएसिव में तो यार हम कॉलेज में लड़कियां पढ़ा लेते थे सर वो ही जाता था ना जो पीछे पढ़ी जाते थे सर तो परसुएसिव सब हो जाते थे सिर्फ आई टी में ही एकदम फिट हो जाओ सर में तो कहने का मतलब ये है कि फॉर यू यंग